हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टडी द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समझिए, कंपोजिशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है यदि बहुत सा फोर्स वो बॉडी पे लग रहा है और उस फोर्स को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय ए सिंगल फोर्स। आइए, सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर देंगे तो जो सभी फोर्स के द्वारा उस बॉडी पर इफेक्ट होगा वही एक सिंगल फोर्स लगाने पर सेम इफेक्ट होगा। दिस इज नॉट ए कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल फोर्स इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। दिस सिंगल फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट। उसी सिंगल फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। यदि उस सिंगल फोर्स, कहने का मतलब है यदि रिजल्टेंट वो सभी फोर्स का जीरो हो जाए तो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा, रेस्ट में बॉडी होगा। तो वो तो इक्विलिब्रियम में बताएंगे। अभी कहते हैं कि हम लोग ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स, बहुत सा मतलब कि नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है बॉडी पर या कोई पार्टिकल पर, ठीक है, तो उसके बदले में यानी वो बहुत सा फोर्स लग रहा है उसको रिप्लेस करके एक ऐसा सिंगल फोर्स लगाते हैं जो कि सेम इफेक्ट एज जो बहुत सा फोर्स लगा के होता था सेम इफेक्ट होगा। तो इसी को हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। एंड दिस सिंगल फोर्स और द सिंगल फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट। तो यहाँ क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स है कि नहीं, आर यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ डिफरेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन बट इन आवर सिलेबस ओनली वी हैव टू कहेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स दोज फोर्सेस विच आर कोप्लेनर एंड कंकरेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि कोई बॉडी पर बहुत सा फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर एंड कंकरेंट होना चाहिए। वही हमारे सिलेबस में अभी है, यानी कि टू डायमेंशनल। कहने का मतलब है मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, और कोई पॉइंट है यहाँ पर से, इस पर से बहुत सा फोर्स मेरा लग रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ द फोर्स लग रहा है, ये क्या है, कंकरेंट फोर्स भी है और क्या है, एक प्लेन भी है। मान लीजिए ये एफ वन है, ये एफ टू है, ये एफ थ्री है, ये एफ फोर है। तो इस सब फोर्स जितना है F1, F2 को हम रिप्लेस करके एक ऐसा फोर्स लगाएंगे जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जो कि ये चारों लगाने के बाद जो इफेक्ट होगा इस बॉडी पर वही एक फोर्स लगाने के बाद इफेक्ट होगा। एंड दिस इज नॉन एज, दिस फोर्स इज नॉन एज, ये हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स। तो देखिए यहाँ पर से जो एफ आर होगा ये क्या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा, ये जो है आपको F1 होगा प्लस F2 होगा प्लस F3 होगा, ठीक है, प्लस F4 होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है यहाँ पर सिर्फ जो है जो बता है कि एक कॉम्प्लेनर कंकरेंट फोर्स होना चाहिए, तो उसी का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। दूसरा है यहां पर से यदि फोर्स क्या हो कि वो एक प्लेन में नहीं हो, यानी कि नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स भी हो सकता है, और क्या कहते हैं कि बहुत तरह से जो फोर्स सिस्टम में पढ़ा है उस तरह का जो है यदि सिस्टम रहेगा तो सबके लिए हम लोग सिंगल फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो है निकालने का मेथड जो है उसका अलग है, लेकिन हम लोग को सिंपल यहां पढ़ना है कि यानी कि
एक कॉप्लेनर फोर्स होना चाहिए और नंबर ऑफ द फोर्स कंकरेंट होना चाहिए, यानी कहने का मतलब एक प्लेन में है और सब फोर्स कंकरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फोर्स का प्रॉब्लम बनाएंगे और इसी के बारे में थ्योरी भी हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर से देखिए, ये यहाँ पर इसी के बारे में बताएंगे। अब नेक्स्ट जो है आपको हम बताते हैं। गुड मॉर्निंग, टुडे आई डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि कहने का मतलब है कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि यदि बहुत सा फोर्स लग रहा है तो उसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहने का मतलब है, हम अगले क्लास में इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अब जो है कि जो मेरे सिलेबस में है कि हम लोगों को रिजल्टेंट किस तरह के फोर्स सिस्टम का निकालना है, तो वो जो फोर्स सिस्टम है हम लोग को रिजल्टेंट निकालने के लिए, वो है यहाँ पर से कोप्लेनर कौन करंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो कोप्लेनर करंट सिस्टम का ही हम लोग जनरली हमारे सिलेबस में है, जिसका कि हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर से है कि क्या क्या मेथड है, कौन कौन सा मेथड हम लोग अपने स्टैंडर्ड में यूज करेंगे, सी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अनुसार से कौन कौन सा मेथड जो है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो किस तरह का फोर्स है आपके पास में, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो कहने का मतलब है ये मेथड जो यूज होता है, मेथड्स है कि नहीं, मेथड्स यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कौन करंट फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर से जो मेथड यूज होता है, पहला कहते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, दूसरा है यहाँ पर से कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये दोनों जो यूज करते हैं हम लोग ओनली फॉर टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी। कहने का मतलब है ये दोनों जो है, यदि दो फोर्स यूज करेंगे, दो फोर्स एक्ट कराए को बॉडी पर, और वो फोर्स कैसा होगा कि कोप्लेनर एंड कंकरेंट होगा, तभी इस दोनों मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पर से कि ए पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक यदि फोर्स क्या रहना चाहिए, कंकरेंट और कोप्लेनर रहेगा, तभी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये तीनों को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ही कहते हैं इसको तीनों को, ठीक है। ये तीनों को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा तीसरा चौथा है यहाँ पर से बोलते हैं कि कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ, दिस इज नॉट ए ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड है। और पांचवा जो है इसको बोलते हैं वेक्टर मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर मेथड बोलते हैं, क्या कहते हैं, एनालिटिकल
मेथड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं हम लोग। ये पांच तरह का ये मेथड है हम लोगों को कॉपलेनर और कॉपलेनर कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको बता चुके हैं पहले भी कि कॉपलेनर कंकरेंट सिस्टम का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, जब यदि बहुत सा एक तो फोर्स सिस्टम लग रहा है किसी बॉडी पर, तो उसका हम एक सिंगल फोर्स यानी उस सिंगल फोर्स को निकालेंगे जो कि सब फोर्स लग रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होता है सेम इफेक्ट ये सिंगल फोर्स लगाने के बाद होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फोर्स कहते हैं। तो अलग अलग जो है इसका हम लोग क्या करेंगे यूज करते हैं निकालने के लिए, ये सब का एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, थैंक यू। अभी आपको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं। तो पहला क्या है, यदि दो फोर्स किसी पार्टिकल या बॉडी पर लग रहा है और दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए और एक दूसरे के इंक्लाइंड होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो दो फोर्स रहता है टू फोर्स, ये टू फोर्स जो है टू फोर्सेस के लिए है, फॉर टू फोर्सेस, ठीक है। और दूसरा है इसमें से कि क्या होना चाहिए, कॉपलेनर होना चाहिए, कॉपलेनर होना चाहिए। और तीसरा है कि दोनों फोर्स जो है कॉनकरेंट होना चाहिए, कौन करेंट होना चाहिए। और तीसरा क्या, चौथा क्या होना चाहिए कि इंक्लाइंड एट सम एंगल होना चाहिए, ठीक है, तभी इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ पैरेग्राम ऑफ फोर्सेस के अनुसार से क्या होता है कि यदि दो फोर्स, सपोज कीजिए यहां पर से कि दो फोर्स लग रहा है, ठीक, एक फोर्स क्या है और ये इंक्लाइंड है थीटा से, दो फोर्स, एक पी फोर्स है, एक क्या बोलेंगे हम लोग पी फोर्स है और दूसरा क्यू फोर्स है, दो एक दूसरे के क्या है इंक्लाइंड है, और ये कोई ओ पॉइंट है, ठीक है, जो कोई बॉडी पर मान लिए है पॉइंट इस पर लग रहा है और एक प्लेन में है, ठीक है, कॉपलेनर है, दोनों पी और क्यू फोर्स दोनों कॉपलेनर फोर्स है। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या है, देखिए ये दोनों फोर्स क्या फॉर्म कर रहा है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम हम लोग पूरा कर देते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम जो है ये पूरा कर दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, सपोज कीजिए ये इस तरह से है, ठीक है, ये फोर्स है और ये ए है, ये सी है और ये क्या है बी है। तो ये कहना है कि ये जो डायगोनल हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर से, जो बीच वाला जो डायगोनल मिलाएंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से, अपोजिट जो कहेंगे कि दोनों लाइन जो मिलता है यहाँ पर से सी पर, इसको मिलाएंगे तो ये क्या देगा दोनों का रिजल्टेंट देगा। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विद द फोर्स पी। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से हम लोग दो फोर्स क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पे लगना चाहिए, दूसरा होना चाहिए क्या
ये क्या है, पॉइंट का मतलब कंकरेंट फोर्स होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे से इंक्लाइंड होना चाहिए। ये तब कहेंगे कि इस पर से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगा सकते हैं एंड फाइंड आउट द रिजल्टेंट। ठीक, तो अब इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है, यहां पर से लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट इट स्टेट दैट व्हेन टू फोर्सेस इट स्टेट दैट टू फोर्सेस acting simultaneously at a point or body, ठीक है, is represented by the adjacent side of a parallelogram, then the diagonal drawn from point of concurrency then the diagonal drawn from the point of concurrency gives the resultant of the forces in magnitude and direction देखिए लिखा, इट स्टेट दैट टू फोर्सेस एक्टिंग सिमिलरली एट ए पॉइंट और ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, the diagonal drawn from the point of concurrency gives the resultant of forces in magnitude and directions. ठीक, तो अब देखिए यहां पर से जो है ये कहने का मतलब, यदि दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक साथ में काम कर रहा है P और Q, तो यदि ये एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, और तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, ये क्या है, यदि मिलाते हैं अपोजिट को यहां पर से पैरेललोग्राम पूरा करके, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, रिजल्टेंट को, ठीक है, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट को क्या करेगा, ये डायगोनल जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट का, ठीक है, यही ये मेरा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का। अब देखिए पहला है इसमें से मेथड जो है ग्राफिकल मेथड है। तो सबसे पहले जो भी फोर्स गिवन है, मान लीजिए कि गिवन फोर्स है पी, ठीक है, और दूसरा फोर्स है, एक फोर्स पी है, अनदर फोर्स क्यू है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल बिटवीन देम मान लिए थीटा है। तो हाउ टू फाइंड आउट द, कहेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री टू ईच अदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फोर्स दिया हुआ है, इसके लिए एक तो स्केल चूज कर लेते हैं हम लोग। स्केल क्या चूज करते हैं, देखिए यहां पर से स्केल चूज करते हैं कि जैसे कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मान लीजिए 10 यूनिट, ठीक है, और ये तो किसका हो गया, हमको यही चूज करना है,
ठीक है, इसके बाद हम पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। मान लीजिए ये जो है कि ये 50 न्यूटन है और ये जो है आपको मान लीजिए 40 न्यूटन है, ठीक है, लेट कर लेते हैं। और थीटा जो भी है यहाँ पर से मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है थीटा, समझ गया, जो भी थीटा दिया रहेगा मान लीजिए 60 डिग्री है, तो थीटा के लिए हमको इसको चूज नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक तो ये पी फोर्स जो है देखिए कितना सेंटीमीटर होगा, पी फोर्स देखिए स्केल पर खींचेंगे तो हम लोग क्या करते हैं ग्राफ पर खींचते हैं या कॉपी पर खींचते हैं, तो एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 10 न्यूटन, तो पी बराबर कितना हो गया, ये देखिए पी बराबर हो गया इससे 10 से भाग देंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्यू बराबर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम लोग स्केल पे ड्रॉ करना है ग्राफिकली, तो ये स्केल हम लोग चूज कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए 50 है तो 50 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 40 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये थीटा मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ या जो भी एंगल दिया रहेगा उसके अनुसार से हम लोग लेंगे, जो भी एंगल है मान लीजिए कि 60 डिग्री है तो उसके लिए स्केल हमको चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले पी खींच लेते हैं, कितना सेंटीमीटर खींचेंगे पी, 5 सेंटीमीटर खींच लिए, ठीक है। अब ये यहां पर से मान लीजिए जो भी एंगल दिया रहेगा थीटा उस पर से एक लाइन खींचेंगे और इस पर क्या करेंगे, ये क्या है कि ये वाला फोर्स जो है पी है और ये वाला फोर्स क्यू है, तो इसका जो ये जो सेंटीमीटर है ये जो है ये यहाँ पर से जो है ये पी फोर्स है और इसका जो यहाँ से खींचेंगे कितना खींचेंगे 5 सेंटीमीटर खींचेंगे हम लोग, और उसी तरह से क्यू जो है ये जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करें, ये क्यू फोर्स है, ठीक है, ये क्यू फोर्स है और इसका जो हम लोग लेंथ लेंगे इस लाइन का ओ और ये बी है और ये ए है, तो यहाँ पर से जो होगा ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर खींच देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसके पैरेलल में किसके ओ ए के पैरेलल में फ्रॉम बी से खींचेंगे एक लाइन, ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि ओ बी के पैरेलल में, ओ बी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ से खींचेंगे हम लोग, तो इसको यदि ये अपोजिट डायगोनल यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ओ है दोनों फोर्स का और ये जो खींचेंगे तो ये क्या देगा रिजल्टेंट देगा, तो इसके जो डायगोनल है ओसी, ओसी को क्या करेंगे मेजर कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे ओसी को मेजर कर लेंगे और फिर जो है उसको 10 से गुना कर देंगे, जितना सेंटीमीटर आएगा ओसी का उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दे देगा आपको रिजल्टेंट, क्या देगा वो क्या देगा रिजल्टेंट दे देगा। और अब देखिए डायरेक्शन जो होगा ये मेजर कर लेंगे हम लोग ओसी और ओए के डिस्टेंस को, एंगल को ओसी और यानी कि मेजर कर लेंगे, ये क्या दे देगा आपको अल्फा देगा, यानी कि एंगल एओसी क्या दे देगा आपको अल्फा दे देगा। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं कि रिजल्टेंट दो फोर्स यदि दिया रहेगा उसके बीच का एंगल दिया रहेगा तो ग्राफिकली आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना फिर से बताते हैं, मान लीजिए कि दो फोर्स P और Q दिया हुआ है, ठीक है, और ये 50 टू 40 न्यूटन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ मान लीजिए सपोज कीजिए 60 डिग्री है, जो भी एनीथिंग दिया रहेगा आपको, ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, तो सबसे पहले इसका स्केल हम लोग चूज कर लेते हैं कि यदि कहते हैं 1 सेंटीमीटर कर लो 10 न्यूटन तो 50 जो न्यूटन होगा कितना होगा पी फोर्स जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा, सिमिलरली क्यू जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है कि हम लोग एक ठो ओ ए लाइन कितना का खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का, फिर इस पर एंगल बना लेते हैं 60 डिग्री जो भी दिया रहेगा थीटा इसको बनाएंगे हम लोग और इस पर से एक ठो ओ क्यू ओ बी लाइन खींचेंगे और उसका लेंथ रहेगा किसके बराबर क्यू के बराबर रहेगा, ठीक है, जो फोर्स क्यू है वो 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम पूरा करके तब ओसी का जो लेंथ होगा ये जितना सेंटीमीटर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या देगा आपको रिजल्टेंट का वैल्यू देगा, और ये जो है एंगल ए ओ सी को मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर तो ये क्या देगा आपको एंगल अल्फा देगा, यानी कि रिजल्टेंट मेक्स विथ एंगल विथ फोर्स
पी, यानी कि रिजल्टेंट पी के साथ कितना एंगल बना रहा है ये देगा। या आप इसको इधर से भी मेजर कर सकते हैं, ये मान लीजिए बीटा है तो आपको क्यू के साथ कितना एंगल बना रहा है आर, ये भी दे सकते हैं, इसको बीटा बोलते हैं हम लोग जनरली। तो इस तरह से ग्राफिकली जो है हम लोग पहला पैरोग्राम ऑफ फोर्सेस को हम सवाल रहेगा इस तरह का, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यदि दो फोर्स और एंगल बीच का दिया रहेगा तो हम ग्राफिकल मेथड से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ओके।